good afternoon students. welcomes you all once again on our official channel let's learn commerce. swagathap on hamare official youtube channel let's learn commerce pay. hope you all happy and healthy with your family. first of all, if you are new in our uh, channel, please subscribe my channel, hit like button, comment and share as more as you can. you can follow me on Unacademy learning app. simply type ravi roshan k.r. 6388. गाइज़ हमने पिछले दो क्लासेस में अकाउंटेंसी की पढ़ाई की अकाउंटेंसी के बारे में जाना और ये कंटिन्यू हमारा थर्ड डे है जैसा कि मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि हमारा ज़्यादा फोकस जो होगा वो अकाउंटेंसी पे होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आज ये हमारा लगातार तीसरा क्लास है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और इसीलिए आज हम फिर से अपने तीसरे क्लासेस uh, को रेगुलर कर रहे हैं और इस क्लास में जो हमने पिछले क्लास में लीव किए थे कुछ टॉपिक्स को उस टॉपिक को डिस्कस uh, करेंगे जैसे आइए हम देख लें कि इस टॉपिक में इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं वर्ड्स अबाउट दिस सेशन इन दिस सेशन आई विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स प्रीवियस क्लासेस एट एग्लेन्स क्टिवस ऑफ अकाउंटेंसी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी ब्रांचेज एंड द लास्ट वन इज योर क्लास शेड्यूल इट्स अ सरप्राइज फॉर यू कल मैंने आपको बताया था एज आई प्रोमिस्ड योर स्टडे दैट आई विल प्रोवाइड यू योर क्लास शेड्यूल सो आई कम आई कम टू मोरो विद यू विद योर क्लास शेड्यूल ओके तो आज के सेशन में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस क्लास को एक ग्लैंस में एक झलक में हम देखेंगे तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी कि अकाउंटेंसी का मीनिंग और डेफिनेशन क्या था एंड व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी व्हाट वाज द इवोल्यूशन स्टेज तो भारत में अकाउंटेंसी जो थी वो इंदुज वैली सिविलाइजेशन के समय से ही एडवांस्ड लेवल पर थी उसके बाद अभी जो हम डिवल इंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उससे पहले जैसे हिंदुज वैली सिविलाइजेशन की बात अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या हुआ तो फिर राजा महाराजाओं का जब शासनकाल था तो उस समय भी अकाउंटेंट हुआ करते थे दे ऑल्सो कैप्ट आल्सो कैप्ट दियर अकाउंटेंसी आल्सो कैप्ट दियर रिकॉर्डिंग बुक्स उस समय कैसियर हुआ करते थे खजाची हुआ करते थे जो क्या करते थे uh, जो भी खजाने थे राजा महाराजा के जैसे सोने के सिक्के हुए चांदी के सिक्के हुए हीरे मोती जवाहरात तो वो अगर किसी को प्रोवाइड करते थे एज़ अ गिफ्ट एज़ अ प्रेजेंट तो उसका रिकॉर्ड वो लोग रखा करते थे कि कहाँ पे कितने सिक्के गए तो ये सारी चीज़ें उस समय भी थी उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद मुंशी आया और उसी पोस्ट को हम मुंशी जी या फिर एक और नाम है उसका मुनीम जी तो मुंशी और मुनीम बुलाते थे केप दियर रिकॉर्ड्स एन अ बुक कॉल्ड बही खाता वो लोग जिस खाते में अपना रिकॉर्ड रखते थे उन्हें हम बही खाता के नाम से जानते थे तो धीरे 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 चेंजेस होते गए और आज हम फिफ्टीन सेंचुरी में लूका पेसियोली ने जो अकाउंटेंसी डबल इंट्रेस्ट सिस्टम डेवलप की थी आज हम उसकी ओर हैं और आज हम उसी को फॉलो करते हैं तो चलिए है हम बढ़ाते हैं अपने क्लास को आगे की ओर और, और पिछले क्लासेस में जो हमने लीव किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ़ अकाउंटेंसी उसको देख लेते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटेंसी जो है वो रिकॉर्ड रखने के लिए ही तो बनाया जाता है तो इसीलिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेन ऑब्जेक्टिव टू मेक मोर प्रोफिट हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जाए और उसके लिए क्या वे अपनाया जाए क्या तरीके अपनाए जाए तो इसीलिए अकाउंटेंसी का दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वह टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू अटेन फाइनेंशियल कंडीशन यह दोनों अलग अलग चीजें हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉफिट एंड लॉस इज नैरो वर्ड बट फाइनेंशियल कंडीशन इज अ सुपरफिशियल वर्ड ओके इट इज़ अ प्रोफाउंड वर्ड तो फाइनेंशियल कंडीशन में ही प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड हो जाता है फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो पूरी वित्तीय स्थिति को दिखाता है कि किसी संस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी है जैसे उसमें कैपिटल उसके कैसे हैं शेयर होल्डर्स फंड में क्या हुआ गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है हमारे एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्लाइन हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो हैं असरटेन करते हैं हम अकाउंटेंसी में ही तो इसीलिए अकाउंटेंसी का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है टू अ फाइनेंशियल कंडीशन ओके गाइज ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है वो है टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस जब रिकॉर्ड्स बना लेते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है जब हम उसको कंक्लूड करते हैं देन वी कंपेयर इट विद अवर प्रीवियस रिकॉर्ड्स और पास रिकॉर्ड्स उसे हम क्या करते हैं अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गनाइजेशन है वहाँ पर क्या हुआ है ऑर्गनाइजेशन uh, ने हमारे प्रोग्रेस किया है या फिर हम डिक्लाइन किए हैं तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं उसके बाद है कीपिंग अकाउंट्स ऑफ कैश हमारा फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है कीपिंग अकाउंट ऑफ कैश एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैश ट्रांजेक्शन्स उनमें कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश इनफ्लो कैश का आउटफ्लो सब होता है तो जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका रिकॉर्ड रखें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दियर बुक्स तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ़ अकाउंटेंसी में पांचवा जो है वो है टू कीपिंग अकाउंट ऑफ कैश कैश के अकाउंट्स को रखना उसको मेंटेन करना अब आगे हम अपने सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव पे तो दिक्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल बोथ ऑफ दैम इन दोनों पे कंट्रोल करना इन दोनों का ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है गाइज स्टूडेंट्स मान लीजिए कि एसेट्स बहुत ज़्यादा है तो एसेट्स बहुत ज़्यादा कब होगा जब हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा तभी तो एसेट्स आएगा तो पैसे अगर कम पड़ जाएंगे एसेट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा संपत्ति का तो डिप्रिशिएट होता है उससे तो कोई प्रॉफिट होना नहीं है वो तो परा का पराढ़ा जाएगा लेकिन दूसरी ओर हमारे पास कैपिटल की कमी होगी कैश की कमी होगी तो क्या करेंगे हम अपने बिज़नेस को रन नहीं कर पाएंगे हमारे पास वर्किंग कैपिटल कम पड़ जाएगा तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने एसेट्स और कैपिटल को बैलेंस्ड करके रखें दूसरी ओर ये भी नहीं होना चाहिए कि कैश बहुत ज़्यादा हो और एसेट्स कम हो ठीक है क्योंकि कैश बहुत ज़्यादा होने पे एक तो की चोरी या गबन होने का डर रहता है इट इज़ वेरी रिस्की दूसरी बात ये कि कैश अगर हमारे पास फंसा रहेगा तो उस पर होने वाली एक प्रोवर्व है मनी ब्रेड्स में मनी ब्रेड्स मनी पैसा ही पैसे को जन्म देता है तो जब तक मनी हमारे पास रहेगा तब तक फिर हम कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डेवलप कर पाएंगे तब तो पैसा आएगा ही नहीं आगे बढ़ेगा ही नहीं तो इसीलिए ये इसका छठा ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटी द सेवेंथ ऑब्जेक्टिव इज़ हेल्पफुल इन टैक्सेशन टैक्स कैलकुलेट करते समय भी अकाउंटिंग की मदद ली जाती है जो अकाउंट्स रखे गए होते हैं जो रिकॉर्ड्स रखे गए होते हैं उसी के मदद से जो हमारे एग्जैक्ट प्रॉफिट है उसको चेक करके जो हमारे टैक्सेशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है तो इसीलिए ये इसका सेवेंथ ऑब्जेक्टिव है एट हैड डिटर्मिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी पॉलिसी क्या होती है तो जो हमारे थिंक टैंक होते हैं बिजनेस के चेयरपर्सन होते हैं जो उसके मैनेजर्स होते हैं वो लोग मिल एक पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं इसी बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम अपने एंटिटी को रन करवाते हैं तो जब हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं जब हमारा रिकॉर्ड्स जो है वो रिज़ल्ट uh, देता है हमारा बैलेंस शीट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड जो है रिज़ल्ट देता है तब हम क्या करते हैं अपने पास्ट पॉलिसी uh, को रीड करते हैं हम उसे इवेल्यूएट करते हैं कि वो किस हद तक सही है और उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं फिर उसको हम चेंज करते हैं अगर ज़रूरत है तो और अगर ज़रूरत है तो फिर हम नई पॉलिसी डिटरमाइन भी करते हैं नई पॉलिसी बनाते भी हैं तो इसीलिए एर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका टू डिटरमाइन एंड एवेल्युएट द बिजनेस पॉलिसी द नाइन्थ वन इज़ टेस्टिंग द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं अकाउंटेंसी में उसको बहुत ज़रूरी होता है कि उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है उसको चेक किया जाए कि कहीं वो गलत तो नहीं रखा गया क्योंकि अगर वो गलत रखा जाएगा तो प्रॉफिट गलत बताएगा तो फाइनेंशियल कंडीशन गलत बताएगा और इससे फिर क्या होगा जो इंफॉर्मेशन के लिए वेरियस पार्टीज़ जो होते हैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा गलत टैक्स कैलकुलेट होगा गलत प्रॉफिट पता चलेगा तो सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी इसीलिए ये इसके नाइन्थ ऑब्जेक्टिव में आता है टेस्टिंग द रिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट एंड टेंथ वन और द लास्ट वन इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़ दसवा हैं हम अपने वेरियस पार्टीज़ को हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं मैनेजर्स होते हैं ऑनर्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम अपने रिकॉर्ड से जो कंक्लूजन हमने निकाला है उस कंक्लूजन को उनको हम कन्वे कर देते हैं कम्युनिकेट कर देते हैं प्रोवाइड करवा देते हैं उनको इंफॉमेशन तो ये थे हमारे टेन ऑब्जेक्टिव्स अब हम बात करेंगे लिमिटेशन की लिमिटेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सीमाएं ठीक है तो अकाउंटेंसी की भी कुछ सीमाएं हैं इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है जैसे मेजर्स ओनली फाइनेंशियल फैक्टर्स कल मैंने बात किया था कि ये केवल फाइनेंशियल फैक्टर्स को ही रिकॉर्ड करता है ठीक है गाइज ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है और यही इसका लिमिटेशन भी है ठीक है क्योंकि उस समय ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी और अभी ये इसकी लिमिटेशन है क्यों क्योंकि अगर ये केवल फाइनेंशियल फैक्टर को रिकॉर्ड करेगा तो किसी और क्वालिटी को जो उतनी ही जरूरी है दैट इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो उतनी ही जरूरी है जितनी की कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या उतना ही इम्पॉर्टेंट है तब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और इसीलिए यह एक कमी है यह एक सीमा है अकाउंटेंसी की जैसे एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था कि ए बी सी कंपनी में एक्स नाम की कोई कर्मचारी जो बहुत होशियार है बहुत काबिल है बहुत ईमानदार है तो उसकी इन सारी क्वालिटीज़ को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ट्रांजेक्ट कर रिकॉर्ड uh, करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है तो इसीलिए ये इसका लिमिटेशन है दूसरा लिमिटेशन है इसका नो फ्यूचर असेसमेंट मतलब कि हम फ्यूचर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते फ्यूचर को आकलित नहीं कर सकते भविष्य के बारे में नहीं बता सकते हम पास्ट की बात कर सकते हैं प्रेजेंट की बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी या एट प्रेजेंट उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है आ, पिछले साल उसकी क्या कंडीशन थी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी तो ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं बट वी कॉन्ट डिटरमाइन द फाइनेंशियल फ्यूचर इवेल्यूएशन और फ्यूचर असेसमेंट ठीक तो ये भी एक लिमिटेशन है इसका चौथा इसका लिमिटेशन है अकाउंटिंग सॉरी तीसरा इसका लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या है ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग तो जैसे हम क्या करते हैं जैसे डि डिप्रीशिएशन हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं जो एसेट्स प्रीवियस वैल्यू जो होते हैं उसके उस समय जो वैल्यू होते हैं हम उसी से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं जबकि वो तो बहुत पुरानी वैल्यू है उसके बाद महंगाई के कारण इन्फ्लेशन के कारण रेट में अप डाउन के कारण कुछ बिजनेस पॉलिसीज़ के कारण गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण चेंजेस होते रहते हैं उनमें तो इसका कोई असर इस पर नहीं पड़ता और हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाता इसीलिए ये भी लिमिटेशन है इसका द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी चौथा लिमिटेशन जो है इसका वो है अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है तो जैसे अमेरिका में कुछ अलग पॉलिसी अपनाई जाती है हमारे यहाँ हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सारे को फॉलो करते हैं जबकि अकाउंटेंसी जो है अमेरिका की वहाँ वो लोग जी ए, ए पी या ट्रिपल ए जिसकी बात हम लोगों ने कल की उसके रूल्स को फॉलो करते हैं तो ये क्या है ग्लोबल स्टैंडर्ड कोई अकाउंटिंग का नहीं है तो यही इसका एक लिमिटेशन है फिफ्थ वन इज एस्टिमेशन एस्टिमेशन मतलब होता है आकलन अंदाजा लगाना हम क्या करते हैं चीज़ों को बस एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ भाई इसकी कितनी वैल्यू होगी और उस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने डिप्रीशिएशन को या टैक्स कैलकुलेट करना होता है तो उस समय हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू या जो वास्तविक मूल्य है उसका वो हम पता नहीं कर पाते वो हम नहीं जान पाते हैं तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है वेरीफाइबिलिटी क्या होती है तो जैसे मान लो कि कोई ऑडिटर है स्टूडेंट और वो ऑडिटर आया उसने अकाउंटेंसी की जांच पड़ताल की और अकाउंटेंसी को देखा अकाउंटेंसी में उसने पाया कि जो भी हिसाब किताब रखे गए थे उनके इंट्रीज वो इंट्रीज चेक करेगा कोई भी ऑडिटर जो है वो इंट्रीज को चेक करेगा उसके रूल्स को चेक करेगा और देखेगा कि इसके अरिथमेटिकल वैल्यू जो हैं वो तो सही हैं लेकिन उसके भीतर अगर किसी ने बायसनेस किया हो किसी ने उसके फिगर को ही चेंज कर दिया हो तब तो ये नहीं पता कर पाएगा तो इसीलिए लिए वेरीफाइबिलिटी जो है वो भी इसके एक लिमिटेशंस में आती हैं वो भी नहीं पता कर पाता है ये सेवेंथ है एरर्स एंड फ्रॉड अभी अभी मैंने बात की बायसनेस की पक्षपात की भाई भतीजाबाद नेपोटिज्म की फ्रॉड की कुछ लोग अकाउंटेंट को पैसे दे के फिर कुछ गलत करवा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेंसी में छिप जाती हैं तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो जाएगा तो ये सात लिमिटेशन थे इसके इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को पढ़ा अब बात कर लें हम लोग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी की तो इसके पांच ब्रांच हैं मोटे तौर पे जो हमें पढ़ने हैं पहला है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी स्टूडेंट आपको फाइनेंशियल अकाउंटेंसी ही पढ़ना है अलेवेंथ और ट्वेल्थ में बाद में फिर ग्रेजुएशन में आपको बहुत सारी जैसे मैनेजमेंट अकाउंट कॉस्ट अकाउंट टैक्स अकाउंट ये सब आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है ठीक है अभी आपको फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटेंसी पढ़ना है दूसरा है कॉस्ट अकाउंटेंसी तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फोर्थ वन इज टैक्स अकाउंटेंसी एंड फिफ्थ वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ह्यूमन बींग इज एन सोशल एनिमल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट ओके जैसे उदाहरण देखिए कि हम क्या करते हैं जैसे हम एक चिमनी खोलनी है तो हम क्या करते हैं पहले हम सरकार से इस बात के लिए परमिशन लेते हैं कि हम फलाने जगह पे चिमनी लगा सकते हैं या नहीं क्यों क्योंकि वहाँ के जो सोशली पीपल है जो वहाँ पे सोसाइटी है लोगों की उन पर कोई उसका हार्म ना हो उन पर कोई उसका बैड अफेक्ट ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं परमिशन लेते हैं तो ऐसे ही कंडीशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात समझ में आती है तो ये पांच ब्रांचेस फ़िलहाल आपको पढ़ने हैं अकाउंटेंसी के और अब आ गए हैं हम अपने शड्यूल के तरफ कि क्लास का शड्यूल हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स आपके क्लास के शड्यूल की बात है जहाँ तक तो मंडे को आपका क्लास लगेगा अकाउंटेंसी का और फिर बिजनेस मैथ्स का ठीक है मंडे को आपका क्लास लगेगा अकाउंटेंसी का बिजनेस मैथ्स का ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे ट्यूसडे को आपका क्लास होगा इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का वेडनेसडे को हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी और बी एस टी थर्सडे को इकोनॉमिक्स और बी एस टी हम फिर से पढ़ेंगे फ्राइडे अकाउंटेंसी एंड बी एस टी एंड दटरडे इज टेस्ट होगा उस दिन आपका या हम अकाउंटेंसी को uh, थोड़ा बहुत uh, दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे पूरे वीक हमने जो पढ़ी पढ़ाई की होगी हम उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो ये है आपका शेड्यूल और अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी एंड एज आई प्रोमिस्ड यू इन the बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो दैट वी इंट्रोड्यूसड यू विद इन वन एन आवर वन hour एन आवर बी एस BST वीडियो बी एस टी क्लास अ सेशन फॉर बी तो हम लेकर आएंगे बी एस का क्लास आपको क्या करना है फिर से वही बात आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे अपने रूटीन को अपने शेड्यूल को और जो भी आज पढ़ाई हुई है उसको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे कॉमेंट्स में फिर से अपनी हाज़िरी लगाएंगे जो लोग भी हैं इस क्लास से जुड़ रहे हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय